लिखवा सकते हैं। तो जिस तरह मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ पैटर्न्स बताए थे, आज उन्हीं पैटर्न्स को यूज करते हुए मैं आपको इजी वे में लिख के बताऊं कि आप बच्चे को किस तरह स्वर लिखवा सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको वही बताती हूँ। पहले आप बच्चों को इस टाइप का पहले उल्टा सी लिखवाना सिखाए, इस तरीके का। लेकिन याद रहे जब आप बच्चों को दे तो आप डॉट्स के द्वारा दे, इस टाइप के आप पहले बच्चों को डॉट्स दे दें ताकि वो इस पे ट्रेस कर सके। ये चीज हुई हमारी फर्स्ट पार्ट, यानी कि उल्टा सी बनाने का ये हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट यही सेम करना है, यहीं से हमें दोबारा अपना उल्टा सी लेकर आना है। फिर हम बच्चों को वही चीज देंगे, यहां से दोबारा डॉटिंग देंगे ताकि बच्चा उस चीज के डॉट्स के ऊपर ध्यान से अपना ट्रेस कर सके, जो कि होगा हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको बच्चे को इस टाइप की लाइन देनी है, जो कि होगी हमारी थर्ड पार्ट। जब बच्चों को दे तो इस टाइप का ना दे कि पहले आप डॉट्स में दे। फिर फोर्थ पार्ट होगा आपका इस टाइप की, आपको एक लाइन, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि होगी हमारी फोर्थ पार्ट। बच्चे को जब देंगे आपको डॉट्स में ही देना होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट होगा आपका सिर्फ ऊपर की ये वाली लाइन, जब हम आ लिखते हैं तो बनाते हैं। जब बच्चे को देंगे तो आपको डॉट्स में देना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपके अ इतने इजी वे में इन तीन पैटर्न्स को यूज करके बनाया गया है। आपने नोटिस किया मैंने सिर्फ तीन ही पैटर्न यूज किए हैं, एक सी का, एक दोबारा सी का और एक लाइन। सिर्फ लाइंस को यूज और एक सेमी सर्कल को यूज करके मैंने आपको अ बनाना सिखाया है। तो दोबारा मैं बता देती हूँ, पहले आपको एक उल्टा सी, दोबारा वहीं से उल्टा सी, फिर एक लाइन, आफ्टर देन अ लाइन, उसके ऊपर एक लाइन। इन फाइव लाइन को यूज करके आप अपना अ सिखा सकते हैं। लेकिन जब आप बच्चे को दें, ट्रेसिंग के साथ साथ बच्चे को बुलवाने की भी प्रैक्टिस करवाएं। तो चलिए अब हम आते हैं आ में। जैसे आपको पता है अ होता है, वैसे एज इट इज आ होता है। तो जिस तरह मैं आपको यहाँ पे बता चुकी थी कि आपको पहले फर्स्ट पैटर्न आपका ये होगा कि आपको एक उल्टा सी बनाना है, फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न दोबारा वहीं से जॉइंट करते हुए एक और सी, सेकंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न आपकी लाइन की होगी, थर्ड पैटर्न। फोर्थ पैटर्न आपकी स्ट्रेट लाइन की होगी, फोर्थ पैटर्न। और ऊपर एक लाइन की होगी, फिफ्थ पैटर्न। बट जब आ लिखेंगे आपको यहाँ पे एक और लाइन अटैच करनी होगी, जो होगी आपकी सिक्स पैटर्न। तो ये सिक्स पैटर्न में आपका आ कंप्लीट है। लेकिन जब आप बच्चे को दें दोबारा आपको डॉट्स देनी पड़ेगी इसके लिए। देखिए सिंपल वे में जिस तरह बच्चा अ लिखेगा सेम उसी तरीके से आ हो लगेंगे, लेकिन सिर्फ एक डंडा आपको और ऐड करना है, एक आपको स्टैंडिंग लाइन और ऐड करके आप बच्चे को अ लिख पाना सिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दिखा देती हूँ, जिस तरह आपका अ था बिल्कुल उसी तरीके से है, बस आपको उसके आगे एक डंडा ऐड करना है। ये बन गया आपका आ। याद रखिए बच्चे को बुलवाएं और ट्रेसिंग पे लिखवाएं, और जब तक उनकी राइटिंग क्लीन ना हो आगे ना जाए। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ ई कैसे बना सकते हैं। पहले ई में हमारा पहला पॉइंट होगा ऊपर की लाइन, ये होगी हमारी फर्स्ट पार्ट। आप जब बच्चे को दें डॉट्स पे दें, फिर हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वो होगी यहाँ की एक छोटी लाइन, जो होगा हमारा सेकंड पार्ट। जब बच्चे को दें डॉट्स के थ्रू दें, उसके बाद आते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे, जो कि है हमारा सी। जब आप बच्चे को दें तो डॉट्स में दें, ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट होगा आप बच्चे को फिर उल्टा सी बनवाएं। जब बच्चे को दें तो आप डॉट्स में दीजिएगा, ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपका यहां से होगा, आप
निकालिए, ये बना आपका ई, लेकिन बच्चे को देंगे। अब मैं आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ कितना इजी था ई को बनाना। आप यहाँ पहले डंडा खींचिए, फिर छोटा डंडा, दोबारा आप सी बनाइए, आफ्टर दैट यहाँ से उल्टा सी, उसके बाद उसकी पूंछ। ये था हमारा ई बनाने का बहुत इजी तरीका। गाइस आपको बार बार बोल रही हूँ, बच्चे को ट्रेसिंग करवाएं और बुलवा के सिखवाएं कि वो किस तरह बोलेंगे और किस तरह लिखेंगे। तो आइए अब हम आते हैं अपने बड़े ई पे कि अब आप बच्चे को किस तरह इजी वे में बड़े ई लिखवा सकते हैं। तो पहला आपको सेम जिस तरह ई होता है वैसे ही बड़ा ई होता है। तो पहले आपको यहाँ ऊपर की डंडी देनी है जो हमारा होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको ये वाली डंडी देनी है जो आपका होगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके बच्चे को सी बनाना सिखाना है जो होगा हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको बच्चे को उल्टा सी बनाना सिखाना है यहाँ तक, वो होगा आपको फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको बच्चे को इस टाइप की पूंछ निकालनी सिखानी है जो होगा आपका फिफ्थ पार्ट। बट बड़ी ई के लिए हमें एक और काम चाहिए, यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कल और बनाना है इस टाइप का जो होगा हमारा सिक्स पार्ट। बच्चे को जब दे डॉट्स के थ्रू दे, ये हुआ हमारा सिक्स पार्ट। ई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह इजीली में लिखवाना है। आप एक हाफ सेमी सर्कल से इसको बड़ा ई लिखवा सकते हैं। तो आपने देखा बड़ा ई भी कोई ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं था, वो भी ई की तरह ही ईजी था। तो चलिए अब हम आते हैं ऊ पर। जब हम बच्चे को ऊ देंगे तो पहले हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा बच्चे को इस टाइप की लाइन देना। पहले बच्चे को लाइन दे, लेकिन जब आप बच्चे को देंगे तो डॉट्स में दीजिएगा। फिर सेकंड पार्ट होगा उल्टे सी का, ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट। बच्चे को देंगे डॉट्स में। फिर आपका थर्ड पार्ट होगा दोबारा वहीं से एक उल्टे सी का, जो कि होगा हमारा थर्ड पार्ट। आप जब बच्चे को दे डॉट्स में दे, देखा आपने थ्री पार्ट्स में किस तरह इजी तरीके से ऊ बन गया। मैं दोबारा आपको बना कर दिखा दे रही हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, इससे आपका बन गया ऊ। गाइस दोबारा बोल रही हूँ, पहले ट्रेसिंग करवाएं और बच्चे को बोल के लिखवाना सिखाएं। तो अब चलिए अब हम आते हैं अपने बड़े ऊ पर। जिस तरह हमारा ऊ लिखा जाता है, बड़ा ऊ भी सेम उसी तरह लिखा जाता है, पर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। आपको सेम ऊपर पहले एक लाइन डलवानी है, सेकंड पार्ट में आपको सी बनवाना है उल्टा सी, थर्ड पार्ट में आपको दोबारा उल्टा सी बनवाना है, फोर्थ पार्ट होगा आपका इस तरीके का एक साइन। इट मींस आप ना इसको सेमी सर्कल बोल सकते हैं और ना ही सर्कल बोल सकते हैं। ये टाइप की आपकी एक लाइन, आपका एक कर्व। तो ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट। तो हमारे फोर्थ पार्ट में वो कंप्लीट हो गया, बड़ा हो। जब आप बच्चे को दे तो डॉट्स में, देखा बहुत आसान था बड़ा ऊ। चलिए अब मैं आपको इसे लिखना सिखाती हूँ। पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगा हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ से एक इस टाइप की लाइन लेके जानी है, ये होगा हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में इस टाइप की एक लाइन लेके आनी है, ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको दोबारा एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट होगा हमारा इस टाइप का एक सी, सिक्स्थ पार्ट। आप बच्चे को जब दे डॉटेज में दे, पहले आपकी पहली लाइन होगी ये वाली फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपकी स्टैंडिंग लाइन होगी सेकंड पार्ट, थर्ड होगी आपकी ये वाली लाइन थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपकी इस टाइप की लाइन होगी फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आपका होगा एक और स्टैंडिंग लाइन फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में आपको ड्रॉ करना है इस टाइप का, ये हुआ सिक्स पार्ट। गाइस ये तो मैंने आपको बताया इजी तरीके से
बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका हाथ इस विशेषी पे आ जाएगा। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये एंड आफ्टर दिन यहाँ से राउंड लेते हुए इस टाइप का सी और दोबारा यहाँ से उल्टा सी। तो जब गाइस बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस पे लिखेंगे, लेकिन जब आपका बच्चा भी यहाँ लिखना नया शुरू कर रहा है तो आप इस टाइप का रिशेषण को प्रोवाइड करें, इस टाइप का रिशेषण को लिखवाएं। तो चलो अब मैं आपको ए लिखना सिखाती हूँ कि अब आप ए कैसे लिख सकते हैं। पहला पोजिशन आपकी ऊपर की लाइन की होगी, ये होगा आपको फर्स्ट पार्ट। बच्चे को जब देंगे डॉटेज में देना है आपको। फिर होगा आपका सेकेंड पार्ट, बस यहाँ तक की लाइन, ये होगी सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे स्लेंटिंग लाइन लेनी है, जो होगी आपकी थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ तक की एक लाइन देनी है और उसको हल्का से यहाँ से कर्व करना है, ये होगा आपका फोर्थ पार्ट। जब आप बच्चे को देंगे सेम इसी तरीके से देना है आपको, यहाँ तक आपका होगा सेकेंड पार्ट। आफ्टर देन स्लेंटिंग लाइन यू शुड हैव टू गिव, ये होगी आपकी थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप एक सीधा लाइन लेके आएंगे, उसके बाद यहीं से आप यहाँ पे कर्व कर देंगे, ये होगा आपका फोर्थ पार्ट। अब मैं दोबारा आपको लिख के दिखाती हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, हल्का सा राउंड लेते हुए आप अपना फोर्थ पार्ट यहाँ खत्म कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बड़ा ए लिख के दिखाती हूँ कि आपके बड़े ए में क्या क्या चेंजेस है, बड़ा ए आप किस तरीके से लिख सकते हैं। गाइस बड़े ए में ऐसे कोई ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ एक ही चेंजिंग आएगी, वो है हमारी मात्रा की, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। पहले आपको यहाँ पे एक की लाइन खींचनी है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपकी यहाँ तक की लाइन की होगी सेकेंड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक की लाइन होगी थर्ड पार्ट, एंड आफ्टर देन यहाँ से कर्व होके जो अंदर जाएगा फोर्थ पार्ट। उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट जो होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन लेते हुए उसमें आपको उल्टा सी लेना है, लेकिन उल्टा सी यहीं से जॉइंट होते हुए लेंगे, ये होगा हमारा फिफ्थ पार्ट। बच्चे को आप इस तरीके से देंगे स्लैंटिंग लाइन, आफ्टर देन आप यहाँ से कर्व कर देंगे, ये होगा आपका फिफ्थ पार्ट। देखिए दोबारा बना के दिखा रही हूँ मैं इसी चीज को, स्लैंटिंग लाइन यहीं से कर्व करते हुए उल्टा सी और आपका बन गया एस से ऐसा। तो अब आते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ ओ, आप ओ कैसे लिखवा सकते हैं। गाइस जैसे आपने आ लिखवाया था एज इट इज वैसे ही ओ है, बस उसमें एक चेंजिंग है सिर्फ मात्रा की, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको यहाँ पे एक उल्टा सी बनाना है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका अगेन एक उल्टा सी सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपकी लाइन की थी थर्ड पार्ट, आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट, आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट, आफ्टर दैट सिक्स्थ पार्ट। उसके बाद आपको जो लास्ट चेंजिंग मूवमेंट है, आज तक आपने बना दिया चेंजिंग मूवमेंट आपका सेम वही है, जैसे मैंने ऐसे एंड आपको मात्रा दिखाई थी स्लैंटिंग लाइन एंड आफ्टर देन कर्व करके आपको सी बनाना है, जो हो जाएगा आपका सेवन पार्ट। जब आप बच्चे को देते डॉटेज में दें, बच्चे को डॉट में पहले सिखाएं अ, यानी कि अ बनाना आपने से बच्चे को सिखाया होगा, तो सिंपल वे में बोल सकते हैं बेटा, ऐसे आपने अ बनाना सिखाया था आ, आप पहले वैसे ही बनाइए। बच्चा जब उस आ को लिख ले, उसके बाद आपको सिर्फ एक चेंजिंग आपको ऐड करनी है और आपको बोलना है जैसे उसने एम में मात्रा लगाई थी वही मात्रा को यहाँ लगा दे स्लैंटिंग लाइन एंड आफ्टर दिस सी, आपका बन गया ओ। मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, जिस तरह आपने आ बनाया था, आ बनाए लाइन बारह एक लाइन, और जैसे आपने ए में मात्रा लगाई थी उस टाइप की मात्रा, ये बन गया आपका ओ। गाइस इसी तरीके से आपका ओ से औरत भी है, सेम इस तरीके से, बस उसमें एक चेंजिंग की है कि उसमें एक और मात्रा लग रही है। जिस तरह आपका ये ओ है वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस एक चेंजिंग ये है उसमें मात्रा आपको बच्चे को यहाँ सिखानी है स्लैंटिंग लाइन और एक इसकी यही एक मात्रा ऐड हो। सेम यही चीज है इस डॉटेज पे, आप बच्चे को अपनी यहाँ की एक मात्रा यहाँ पे बच्चा मात्रा लगाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ कराएं, यहाँ कराते समय आप याद रखिएगा
और तो चलिए अब मैं आपको अंग से अंगूर लिखना सिखाती हूँ। अंग से अंगूर बहुत इजी है गाइस, जिस तरह आपके बच्चे ने अ से अनार लिखा था वैसे ही कराना है। फर्स्ट पार्ट आपका सी का है, उल्टे सी का। सेकंड पार्ट आपकी दोबारा उल्टे सी का है। थर्ड पार्ट आपकी लाइन है आफ्टर देन फोर्थ पार्ट, और ये हो गई आपकी फिफ्थ पार्ट। इन फाइव पार्ट के बाद आपको जो एक एडिशन है वो सिर्फ यहाँ पे है कि आपके बच्चे को यहाँ पे एक सर्कल बनाना है जो कि आपका हुआ सिक्स पार्ट। और से अनार में सिर्फ आपको अपने बच्चे को ये बोलना है कि बेटा यहाँ पे सर्कल बना दे, वो हो गया आपका अंग से अंगूर। दोबारा बना के दिखाती हूँ, उसे अनार बनता है वैसे ही है, बस आपको उसके ऊपर एक सर्कल लगाना है जिसकी वजह से बन गया अंग से अंगूर। गाइस ऐसे ही हमारा अनार खाली होता है, सेम होता है जिस तरह हमारा अ से अनार बना हुआ है, वैसे ही उस टाइप के अ से अनार में ही आपको कुछ नहीं चेंजेस करने, बस जो हमने अंग से अंगूर में बिंदी ऊपर लगाई थी यहाँ पे आपकी दो बिंदी आ जाएगी, दो सर्कल्स आ जाएंगे साइड में। ये आपका एक सिक्स पार्ट हो गया, एक सेवन पार्ट हो गया। सेवन पार्ट में आपका आपका अंग से अनार खाली। बच्चे को डॉट्स में दे ताकि वो अपनी राइटिंग क्लीन कर सके। और से अनार है वैसे ही सेम, इसके साइड में दो डॉट्स और आपका अ से अनार खाली। गाइस आपने देखा कितने इजी तरीके से मैंने आपको जो मैंने आपको पहले पैटर्न्स बताए थे उन्हीं पैटर्न्स का यूज करते हुए मैंने आपको स्वर सारे लिख के दिखाए हैं। और अगर आपने नहीं देखी है मेरी वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर भी करें।